हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए विषय पर बात करेंगे जो कि एक मेरे पास बहुत कॉमन क्वेरी आती है जिन लोगों का चश्मे का नंबर भी होता है और उनको स्क्विंट या भेंगापन भी होता है। तो उनकी ये क्वेरी होती है कि हम पहले अपना लैसिक कराएं या हम अपना स्क्विंट की सर्जरी पहले कराएं। तो इसमें हम दो तीन मेन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि चश्मे का नंबर कितना है। अगर चश्मे का नंबर ज़्यादा है, उसका मतलब 4 या उससे ज़्यादा है, तो हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं, अगर आपने दोनों ही प्रोसीजर्स कराने हो तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि पहले आपका रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर या लैसिक किया जाए और उसके बाद हम स्क्विंट की करेक्शन करें। उसका रीज़न ये है कि उससे पेशेंट की फ्यूजन बेटर होती है, तो हम ज़्यादा अच्छे से स्क्विंट को मेजर कर सकते हैं कि हमें कितनी के लिए सर्जरी करनी है। अगर नंबर 4 से कम हो तो कोई भी प्रोसीजर पहले या बाद में किया जा सकता है। पहले स्क्विंट भी कर सकते हैं, पहले लैसिक भी कर सकते हैं। वो पेशेंट और डॉक्टर की आपस में डिस्कशन पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट चाहता है कि मेरे को पहले अपना स्क्विंट कराना है तो वो भी सेफली किया जा सकता है। फिर लोगों की क्वेरी होती है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो इन दोनों सर्जरीज़ के बीच में नॉर्मली 1 मंथ का गैप रखते हैं और वो बहुत सेफ है। ये दोनों प्रोसीजर्स एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि करने की विधि बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स एक साथ नहीं हो सकते, स्क्विंट और लैसिक एक सेटिंग में नहीं हो सकता है। और लोगों की क्वेरी होती है कि अगर हम पहले स्क्विंट करा लेते हैं या पहले लैसिक करा लेते हैं तो स्क्विंट सर्जरी से कोई चश्मे का नंबर तो नहीं आ जाएगा। तो स्क्विंट सर्जरी से चश्मे के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर आपका लैसिक पहले हो जाता है और हम बाद में स्क्विंट करते हैं तो अगर चश्मे का नंबर पहले उतर गया है तो वो वापस नहीं आता है। तो सेफली आप कोई भी प्रोसीजर पहले या बाद में करा सकते हैं अगर नंबर कम हो तो। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए यूज़फुल रहेगी और आप उनसे शेयर करेंगे। थैंक यू।